हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी बारिश हुई है कल रात काफ़ी, तो उससे सारे प्लांट्स बहुत अच्छे धुल के साफ हो गए हैं और बड़े हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहे हैं। मैं आज आपको ओवरव्यू दिखाने वाली हूँ अपनी डॉटर के बगीचे का। स्टार्ट करते हैं नाग चंपा से। देखिए, ऊपर से खूब अच्छा घना हो रहा है, नीचे से हमने इसको सारा साफ कर रखा है ताकि ऊपर ही घना घना रहे, ऊपर से ही ऊँचा हो। इसके साथ ही ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको उसने माली ने कह के दिया था नर्सरी से कि ये तोता परी प्लांट है और इसमें ऑरेंज कलर का बड़ा अच्छा ऐसा टेढ़ा सा फूल निकलता है। अब निकलने का टाइम हो रहा है इसका, आएगा फिर आपको दिखाते हैं। इस साइड सारे सकुलेंट्स लगे हैं, कुछ कैक्टस भी हैं बीच में। तो ये जो लगा हुआ है ये क्रिसमस कैक्टस है और ये जो है नागफनी चंप बोलते हैं जिसको, वो है। और ये जेट, इसका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये मदर ऑफ थाउजेंड्स, ये पेंसिल कैक्टस। अगेन ये टूटा पॉट था जिसमें बहुत सारे हमने लगा दिए थे एक्स्ट्रा, सब खूब अच्छे हरे भरे चल रहे हैं। मदर ऑफ थाउजेंड के उसमें कुछ छोटे छोटे बेबी प्लांट्स गिरे थे तो ये ग्रो कर गए। और ये जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पूरा भरा हुआ था लेकिन गर्मी में अब ये सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, तो आई थिंक फिर से वापस ठीक होने लग रहा है, भर जाएगी टोकरी, फिर दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट है ये अलमांडा, आप देख रहे हैं इसमें खूब अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं और काफ़ी ऊंचा हो गया ये। अभी दो ढाई साल पुराना ही प्लांट है, ज़्यादा नहीं है। इसकी अभी कटिंग वटिंग भी लगाई है हमने, तो तैयार होती है तो आपको दिखाते हैं। ये वाइट रोज़ है, स्नो वाइट रोज़, अब इसकी कटिंग ही होना है, यही बचा है काफ़ी, क्योंकि इसमें कांटे बहुत हैं, कचरा बहुत निकलेगा, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं कोई मिल जाए उठाने वाला कचरा तो सही रहेगा। नेक्स्ट है ये तुलसा जी, इनमें भी जाना गई वापस, बिल्कुल ये ख़राब हो रही थी। तुलसी में आपको ये मंजरी आने नहीं देना चाहिए, मंजरी आने से तुलसी जो है मरने की तरफ बढ़ने लगती है। इसकी मंजरी आती है, एक आध छोड़ के बस बचा लीजिए सारी, तो प्लांट आपका घना भी रहता है और काफ़ी अच्छा लंबा चलता है। ये अगेव है, ये किसी से लेके लगाया था बेबी प्लांट, अब काफ़ी बड़ा हो गया। ये एलोवेरा, ये गुलाब, सब में जान आ गई बिल्कुल, गर्मी में सब मरे से हो गए थे। नेक्स्ट है ये हाइब्रिड गुड़हल, ये सिंदूरी से कलर का है और डबल पेटल वाला है ये। ये यहाँ देख रहे हैं क्या आपने, सदाबहार, सदाबहार के एक दो पौधे तो सबको रखना चाहिए, सारे फूल नहीं आएंगे लेकिन सदाबहार ज़रूर आएगा। ये टर्टल वाइन है जो खूब फैल रही है, जितने खाली गमले हैं सब में ये फैल गई है। इधर में आगे रोजेज हैं, ये ब्लू डेज है ये जो दिख रहा है आपको, और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, बारिश के कारण सब फूल इतना ऐसे धुल से गए। इसमें लगाई है येलो रेन लिली और देखिए सब अच्छी लग गई है। और ये तो इसका, इसकी भी कटिंग लगाना पड़ेगी, बचा इसमें काफ़ी कम बचा ही है। रेंथिमम की कटिंग्स लगाई थी ये देखिए, सब लग गई है ना। और ये तो कोलियस, आगे सिंगोनियम, अब इनकी कटिंग लगनी है, वेट कर रहे थे बारिश होए तो लगाएं। क्रिसेंथम की कटिंग्स जो हैं जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में लगाना चाहिए, तो उससे फूल जो है बिल्कुल टाइम पे आते हैं, है ना। और ये जो है पर्पल हार्ट, और ये तो हमारा नींबू है जो खूब फैल रहा है, अभी भी इसमें नींबू कुछ लगे हुए हैं जो एक्चुअली ये बारहमासी वाला कागजी नींबू है और इसमें बहुत नींबू आता है ढेर। ये लाल चंपा, रेड चंपा वाला है और हमने कटिंग से ही लगाया था, अभी देखिए बहुत ऊंचा हो गया, फर्स्ट फ्लोर उसने पूरी क्रॉस कर दिए। ऊपर आपको मधुमालती की बेल दिख रही होगी चढ़ी हुई। ये थनबर्जिया है और ये लगी है बेसिल, काफ़ी हर्ब्स भी लगी हुई हैं। ये अनार के पौधे बीच भी लगाए थे उससे हुए हैं। ये एक्लिफा है ना, ये भी कटिंग से लगाया था और इसे शायद महीना डेढ़ महीना ही हुआ, खूब ऊँचा हो गया। ये एक बार इशू है, कीड़ों का अटैक भी शुरू हो गया, देखिए कुछ आपको दिख रहे हैं ना छेद छेद, अभी इसमें बस कल दवाई डालनी है सब में। इमिडाक्लोप्रिड डलेगी 2 ml 1 liter पानी में। ये अलग अलग तरह की क्रिसेंथियम हैं जिनकी कटिंग्स हम कल लगाएंगे। और ये जो हैं सेलोसिया, मुर्गा फूल जिसे बोलते हैं, कॉक्सकॉम, ये उगते रहते हैं तो इनको इकट्ठे करके लगा दिए एक जगह सारे। ये देसी गुलाब, ये वाइट वाला गुड़हल, इसकी भी कटिंग कर दी सारी। ये गुड़हल है देसी वाला, देखिए इसमें खूब फूल आता रहता है। गुड़हल देसी वाला तो सबको ज़रूर लगाना चाहिए, इसमें कोई खास मेंटेनेंस नहीं होती और खूब फूल आते हैं। हाइब्रिड वाले की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चाइना ऑरेंज है, देखिए इसमें खूब फूल आया है ना। और देखिए सब जब फूल सूख गए हैं तो इनमें छोटे छोटे वो हो गए,
जब भी किसी प्लांट में फल वाले में फूल आता है उस टाइम पानी डालना बंद कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ही सूख रहा है तो हल्का सा शावर कर दें मिट्टी में। ज़्यादा पानी डालने से जो फूल होते हैं गिर जाते हैं और फिर फल नहीं बनने पाते। देखिए हमने पानी डालना बंद किया हुआ था, देखिए सब में छोटे छोटे बन गए ना मटर, आपको दिख रहे होंगे मोती जैसे। तो इसलिए हम बराबर कहते हैं कि पानी मत डालिए, जब भी फल आ रहा है फूल आ रहा है तो उनको फल को बन जाने दीजिए, उसके बाद पानी डालिए अच्छा भर के, और उसी टाइम खाद भी डालिए। देखिए इसमें सारे साल चाइना ऑरेंज खूब आते रहते हैं और सारे साल इसमें फूल भी आते रहते हैं, बनते रहते हैं नए। ये प्लांट हमने ज़मीन में लगा दिया है, अभी तो काफ़ी ऊंचा हो गया, समझिए 5-6 फीट ऊंचा हो गया है। हमने जहाँ देखा था ओरिजिनली इसको, तो वहाँ उन्होंने ट्री जैसे लगा रखे थे गेट के दोनों साइड, एक इस साइड, और लट्टू जैसे उसमें ये पीले पीले ऑरेंज कलर के खूब उसमें लगे हुए थे। इतना सुंदर लगा था कि बस तभी सोचा था कि ज़मीन में तो ज़रूर लगाइए एक चाइना ऑरेंज। इस वाले स्टैंड पर सारे कैक्टस एंड सकुलेंट्स हैं फिर से। ये मॉस रोज है, लास्ट ईयर का ही बचा हुआ। ये भी इसमें देखिए आप कैक्टस लगा हुआ है। ये भी पेडिलेंथस, ये भी यूफोरबिया की एक और वेराइटी है। ये पेडिलेंथस जो है वेरीगेटेड वाला, ये आपको प्लेट वाला दिखाया। ये इसमें हावर्थिया, ये मदर ऑफ थाउजेंड्स, और ये सेंसेवेरिया। ओवरग्रोन हो गया, इसको अलग अलग करना है। ये नागफनी और ये फेरीटेल कैक्टस, फेरी केसल, सॉरी टेल बोल रही हूँ, फेरी केसल। और एक ये कैक्टस है और ये अडेनियम है, छोटा सा इसमें ये लगा हुआ है। मंगाया था 700-800 रुपए लिए और इतना छोटा सा प्लांट भेजा है। और ये भी मदर ऑफ थाउजेंड्स है। पत्तियाँ देखिए आप, छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हुए कितने सुंदर लगते हैं ना। और यही गिर जाते हैं इधर उधर तो उगते रहते हैं। देखिए यहाँ भी उग रहा है, इधर भी उग रहा है। ये कलेंचो की ही एक वेराइटी है और ये यूफोरबिया डॉर्फ वाला येलो, और ये इचिवेरा ही है, और अगेन ये हावर्थिया, ये भी इसमें येलो है ब्लैक वाला, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये सेंसेवेरिया है लंबा वाला, और ये टेंगल्ड हार्ट लगा हुआ है। ये अमलतास लगा हुआ है इधर, तो इसके शैंडलियर जैसे पीले पीले गुच्छे बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसमें मॉस रोज लगा है और समर वर्बीना है पर्पल कलर का, दोनों इसमें लगे हैं, अभी इनको भी अलग अलग करना है। ये टिकोमा ऑरेंज, इस बहुत छोटा प्लांट था, अभी 2 साल में ये इतना अच्छा ऊंचा घना हो गया। अभी इसके नीचे से और ट्रिमिंग करेंगे तब जाएगा ऊपर। ये मिर्ची गुड़हल है, ये भी कटिंग से लगाया था हमने कहीं से कटिंग लेकर। ज़्यादातर प्लांट्स हमारे पास ना कटिंग से लगाए हुए हैं, खरीदते कम हैं, कटिंग से ज़्यादा लगाते हैं। फिर जो खरीदते फिर वो थोड़े महंगे भी ले लेते हैं, तो बॉदर नहीं करता क्योंकि बाकी के तो हमने खरीदी बना ही रखे ना। क्या ये है टेक्सस रेंजर, आप देखिए कितनी कलियाँ इसमें, हर ब्रांच पूरी पूरी हुई है कलियाँ। पर्पल कलर, पर्पल पिंक कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, ये सबको ज़रूर लगाना चाहिए। मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, उसमें आपको दिखेगा पूरा फूलों से भरा हुआ। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि इतनी कलियाँ जब एक साथ खिलती हैं तो कैसा लगता होगा। ये आम इसमें आए थे, 3-4 फल आए थे अच्छे, वो हमने आपको दिखाए भी थे। अब इसमें दोबारा इसमें फुटाव हो गया है। ये बारहमासी वाला है, तो शायद अभी बौर भी आ जाए बारिश के ख़त्म होते तक। ये पोनीटेल पाम थोड़ा सा टेढ़ा सा हो रहा है इधर से ग्रोथ, क्योंकि धूप इधर से आती है ना, तब इसको गमले को घुमाना पड़ेगा थोड़ा इस साइड, तब ये ज़्यादा सही होगा। इसकी कटिंग मैंने जब की थी तब आपको दिखाया था, अभी देखिए नए फुटाव आ रहे हैं, है ना। तो ये प्लांट जैसा हम चाह रहे थे घना हो जाएगा घना, है ना। ये एस्पेरेगस वाइन, इसमें स्ट्री ग्रीन ही रहती है, इसमें कोई फूल वगैरह नहीं आता। और ये बुद्धा फिंगर पाम, है ना, इसलिए आपको पहले भी बताती हूँ दोबारा फिर बता रही हूँ नए लोगों के लिए। ये जो इसकी बनावट है ये उंगलियों की तरह है, इसमें पोरुए हैं, इसलिए इसको बुद्धा फिंगर पाम कहते हैं। विंडो के पास रखा है तो ड्राइंग रूम में से बाहर देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिलोडेंडॉन सनाडू, ये शेफलेरा ग्रीन, आप भी वेरीगेटेड भी दिखाऊंगी आगे। और ये अम्ब्रेला पाम, नीचे पेप्रोमिया है, कहीं से हमने छोटा सा लिया था 20 रुपये का पौधा, वो बचा गया गर्मी में, ये बड़ी बात। फंड वापस ठीक होने लगे हैं। ये ड्रेसिना विक्टोरिया, ये देखिए कितना अच्छा ऊँचा हो रहा है ना, ये भी बहुत छोटा सा खरीदा था, अभी खूब अच्छा हो रहा है। ये युग का प्लांट है, ये भी किसी ढाबे पे खाना खाने गए थे तो वहाँ
उससे मैंने मांगा था तो उसने छोटे छोटा सा निकाल के दे दिया था उसको। अब देखिए कितना अच्छा ग्रो कर गया। ये भी जो है कटिंग्स इनकी सब कल लगेंगी क्रिसनेंथम की, तो आज ये सीधी दिखनी है आपको। और इधर ये मनी प्लांट, सेंसिवेरिया, फिर ये कोलियस, ये हैंगिंग बास्केट, सब की हालत अब ठीक हो गई है, वो अच्छी हो गई सारी। ये बेबी सनरोज है, इसको निकाल के और घना करना है अभी। ये एरिका पाम है, इसमें ये नीचे डॉर्फ वाला है जो आपको दिख रहा है छोटा, और ये हमारा बड़ा वाली वेराइटी का है जो नॉर्मल हम लोग रखते ही हैं घर में। ये टर्टल वाइन की हैंगिंग बास्केट है, देखते हैं कितनी अच्छी लंबी लंबी लटक रही नीचे तक। ये शपलीरा वेरीगेटेड है ना, इसको अभी पीछे भी दिखाया था मैंने आपने। और ये जो है ये केन बैम्बू है, केन पाम भी बोलते हैं इसको। और फिर ये एम्ब्रेला पाम, और ये डफन भी किया सारा यहाँ पर पीछे। और दिखाती हूँ पीस लिली में फ्लावर्स आए हुए हैं दिख रहा है। इधर का सारा काफ़ी घना घना है, इस एरिया में ना चिड़ियाँ बहुत होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि सवेरे हम अगर पहले निकल आए तब तो ठीक है, अगर थोड़ी देर कर दी तो फिर वो इतना शोर मचाती हैं हमको बाहर नहीं निकलने देती। यहाँ घोंसले भी बने हुए हैं उनके, तो चोंच भी बहुत मारती हैं चिड़ियों को। शायद लगता है कि हम उनका घर तोड़ेंगे, भाई क्यों तोड़ेंगे, हमने तो घर बना के ही दिए कि यहाँ रहो। अच्छा लगता है घर में चिड़ियों की आवाज़ आती है तो। ये घास भी ना बीच बीच में से पैचेस इसके सूख से गए थे, अब वापस ग्रीन हो गए, दो दिन की बारिश में सब सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया, आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।